आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और प्रभाव फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में शहर के स्कूलों में विद्यार्थियों और अभिभावकों को आईएसआई मार्क के हेलमेट निःशुल्क दिए गए। इस मौके पर डीसीपी चिन्मय पंडित इन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाई। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने विनायकराव देशमुख हाईस्कूल और जूनियर कॉलेज लकड़गंज में आज राइट टू सेफ्टी मुहिम के अंतर्गत रैली का आयोजन किया। कंपनी ने इससे पूर्व मुंबई और दिल्ली में यह मुहिम चलाई थी। इस रैली का उद्देश्य मुख्य रूप से दुपहिया सवारों और पीछे बैठने वालों में सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नागपुर के ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट विभाग में वरिष्ठ उच्च पदाधिकारी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रैली में शामिल हुए तो चिन्मय पंडित पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक नागपुर और जेरी जोस प्रमुख मानव संसाधन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने समारोह में हरी झंडी दिखाई। वर्ष 2018 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक विभिन्न वाहन श्रेणियों में सड़क दुर्घटनाओं में दुपहिया वाहन दुर्घटनाओं का सबसे अधिक शेयर रहा। 2018 के दौरान देश में दुपहिया वाहन सवारों में हेलमेट का उपयोग न करने से 43,614 मौतें हुई और कुल सड़क दुर्घटनाओं की गणना 28.8% रही। नागपुर शहर के यातायात पुलिस ने शेयर किए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 नागपुर में सड़क दुर्घटनाओं में 9.84% घटा हुआ, फिर भी 4.8% मौतों में वृद्धि दर्ज हुई। जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक होने से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का निरंतर प्रयास रहता है कि वह सामाजिक रूप से जिम्मेदार रहे और उनके कई CSR पहले के माध्यम से समाधान प्रदान कर सके। सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण के क्षेत्रों में कंपनी ने हस्तक्षेप किया। राइट टू सेफ्टी पहल के तहत आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने हमेशा ही कार्यशाला, रैली और अन्य ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन जैसे प्रभावशाली गतिविधियों को संकल्पित किया है। सितंबर 2015 से मुंबई, पुणे, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद के कई नगरपालिका के विद्यालयों में 500 से अधिक कार्यशाला आयोजित की गई। जेरिजम्स प्रमुख मानव संसाधन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कहा कि बीमाकर्ता होते हुए हम बड़े पैमाने पर सुरक्षा और कल्याण की दिशा में पहल कर रहे हैं। राइट टू सेफ्टी पहल सुरक्षा के अंतर्गत भारतीयों को सड़क सुरक्षा उपायों पर शिक्षा प्रदान कर हम सुरक्षित समाज बनाने हेतु सक्रियता से काम कर रहे हैं। हम ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहाँ हर दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाला सड़क पर हेलमेट पहनेगा। नागपुर में हमारी रैली इसी कल्पना का भाग है और हम आशा करते हैं कि यह पहल बच्चों में सड़क सुरक्षा आदतों को शामिल करने में माता पिता के लिए मददगार होगी। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आयोजकों ने और DCP ने जानकारी दी। नागपुर शहर की यदि जनसंख्या देखी जाए तो तकरीबन 35 से 40 लाख के आसपास है। जितनी जनसंख्या उतने ही शहरों में वाहन भी दिखाई देते हैं, लेकिन आए दिन एक बात साफ तौर पर दिखाई देती है कि लोग जो है वाहन तो धड़ल्ले से चलाते हैं मगर बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए ऐसे कई लोग हैं जो शहर में दिखाई देते हैं। ऐसे में यातायात की जब कार्रवाई होती है तो फिर उनमें वो सवाल बनता है कि हमें कार्रवाई क्यों की गई। आखिरकार हेलमेट नहीं पहनने से यातायात विभाग अक्सर यह कार्रवाई करते रहता है। जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं है, खासतौर पर आईएसए मार्क का नहीं है, उन लोगों के लिए आईसीआईसीआई की ओर से एक काफ़ी अच्छी पहल कि जो तमाम स्कूल कॉलेजों में जाके उन विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को इस प्रकार के हेलमेट दिए जा रहे हैं जो सुरक्षा के पूरी सुरक्षा उसमें हो सकती है, इस प्रकार के हेलमेट आज दिए गए हैं। इस समय में हमारे साथ में यातायात DCP के प्रमुख चिन्मय पंडित साहब हमारे साथ में आइए, उनसे जानना चाहेंगे। पंडित साहब, जिस प्रकार से आज ये हेलमेट का जो वितरण किया गया है कितना महत्वपूर्ण है अपने आप में? देखिए, ये जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की तरफ से पहल की गई है बच्चों में हेलमेट का इन्होंने बांटे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी ये पहल है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो बाइक चलाते हैं वो हेलमेट पहन लेते हैं, लेकिन साथ में जो बच्चे हैं जो पीछे बैठते हैं या सामने बैठते हैं तो वो हेलमेट्स नहीं पहनते हैं। और आपने देखा होगा कि रोड एक्सीडेंट का जो प्रमाण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी पहल है और हमारी तरफ से पूरा इसमें सहयोग देते हैं और इनका अभिनंदन भी करते हैं। इस प्रोग्राम के जो मुख्य अरेंजर है मिस्टर जॉन इस समय हमारे साथ में मौजूद है। सर, ये बताएं कि कैसा लग रहा है आज ये कार्यक्रम लेके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट का सहयोग मिल रहा है, हमें जो स्कूल के अधिकारी हैं उनका सहयोग मिल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण कि ये बच्चे और माता पिता जो है वो आ रहे हैं संडे के सुबह, वो आ रहे हैं ये अभियान में भाग ले रहे हैं, तो उसे ये महसूस होता है कि लोगों को
सड़क सुरक्षा के लिए कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है। कितने शहरों में, कितने स्कूलों में इस प्रकार के ये कार्यक्रम लिए जा रहे हैं? तो हमने 2015 में ये अभियान शुरू किया था, तब से हमने 300 स्कूलों में ऑलरेडी हमने बच्चों को कवर किया है। 1,50,000 बच्चे और माता पिता को हमने सड़क सुरक्षा के बारे में बताया है और 1,00,000 से भी अधिक हमने हेलमेट भी बांटे हैं बच्चों में। तो ये अभियान तब से चल रहा है और लोग इनका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, अगर इस प्रकार की कुछ अच्छी पहल होती है तो समाज ने इसका फायदा उठाना चाहिए। खासतौर पर अभिभावकों ने अपने बच्चों के साथ में जब भी वे कभी टूर पर निकलते हैं तो इस प्रकार के हेलमेट पहनना चाहिए कि यदि हम हेलमेट नहीं पहनते तो बड़ा हादसा हो सकता है। यदि हमारे ज़िंदगी जो है अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी एक ही है, वो है हेलमेट हेलमेट हेलमेट। पारून मैम भी हमारे साथ में, उसे भी जानना चाहेंगे। मैम ये बताइए कि जिस तरह से आज ये जो कार्यक्रम लिया गया है, क्या कहना चाहोगे, आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं? 2015 से ICICI लोम्बार्ड इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से चला रहा है और देश के 7 शहरों में ये कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पे बच्चों को जो है इस बात की वर्कशॉप दी जाती है कि हेलमेट पहनना कितना आवश्यक है और उसके साथ साथ उनके माता पिता को भी ये समझाया जाता है कि सर बचाना कितना ज़रूरी है। और इसी उद्देश्य को लेकर ICICI लोम्बार्ड ने एक ये मुहिम, मैं कहूँगी, जो किया है और वो लाखों लोगों तक पहुँच पाए हैं, जो उन्होंने ISI मार्क के हेलमेट निःशुल्क लोगों को, बच्चों को और उनके माता पिता को दिया है। इस कार्य में उनके जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं वो वेरियस NGOs हैं और उसमें से हम एक हैं, प्रभाव फाउंडेशन। ICICI लोम्बार्ड ही संस्था 2015 पासून आमच्या शिक्षण संस्थेमध्ये येते आहे आणि 2015 पासून आम्ही सर्व प्रकारची मदत त्यांना देतो आहे। त्यांनी हा जो उपक्रम राबवलेला आहे, हे जे अभियान आहे, समाजाला अतिशय उपयुक्त असं अभियान आहे। आपण पाहतो की रस्त्यावर दुर्घटना होतात, प्राण जातात आणि ट्रॅफिक रूल्स जे आहेत ते ऑब्झर्व न केल्यामुळे अनेक जीव जे आहेत ते रस्त्यावर चिरडले जात आहेत। तर त्यांच्या जीवितांचं रक्षण व्हावं म्हणून आणि हे जे राईड टू सेफ्टी या स्लोगनखाली या ICICI लोम्बार्डने एक हेल्मेट वितरण करण्याचा कार्यक्रम दरवर्षी हे आयोजित करतात। अनेक शाळा त्यामध्ये घेतलेल्या आहेत। आमच्या शाळेच्या माध्यमातून आमच्या शाळेच्या क्रीडांगणावर हा व्यवस्थित कार्यक्रम पार पडलेला आहे। या ICICI लोम्बार्ड यांचा हा जो समाजाला अतिशय उपयुक्त असलेला कार्यक्रम आहे, त्याबद्दल त्यांचं मी अभिनंदन करतो आहे आणि त्यांच्या कार्याला शुभेच्छा व्यक्त करतो आहे। शाळेतल्या मुलांना आणि मुलींना देखील आणि त्यांच्या पालकांना देखील त्यांनी हेल्मेटचं वितरण केलेलं आहे, ते धन्यवादास पात्र आहेत। कॅमेरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, NBC न्यूज, नागपूर।